त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने सोमवार को कहा था कि बतख ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक उड़ाया गया था। पहले आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बयान दिया था। केंद्र सरकार से भी हमको पैसा मिली है, प्रसाद से और भी योजना से मिल रही है, और निर्महल ऐसा महल देश में दो ही है, एक उदयपुर में, राजस्थान में, एक दूसरा मेरा यहाँ है। आज मैंने घोषणा की है जो मेरे राज्य अंडे में एक में स्वयं संपूर्ण नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो आज मैंने आज यही घोषणा किया 50,000 जो देशी हास ओ इस टाइप के, तो वो डाक दिए जाए, दे दी जाएगी आसपास के लोगों को। वो अपने आप मानकर किसी को 50 दे दिए, किसी को 100 दे दिया, किसी को 20 दे दिया, ऐसे आसपास के जितने भी लोग हैं इनको सरकार की तरफ से दे दी जाएगी, वो इसमें पालेंगे। तो अपने आप इस जलाशय में जब 50,000 सफेद डाक घूमेगी कितना सुंदर लगेगी, और उससे रिसाइकल होती है ऑक्सीजन, मछली के लिए भी अच्छा होता है, उसके फीड मिलता है, और ऐसा करके इसको कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 करोड़ का रोजगार स्थानीय लोगों को अपने आप उसी से मिलेगी। फीस तो अलग है, टूरिज्म अलग है, तो हमने टूरिज्म मिनिस्ट्री से इसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ जो रहने का बंदोबस्त वो अच्छा करना पड़ेगा। जी हाँ, तो उनका बयान आपने सुन ही लिया। उन्होंने कहा कि बतख से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया और पूछा भी कि भाई ये ज्ञान आप कहाँ से लाते हो। लेकिन अगर हम आपको कहें कि बिप्लब का ये ज्ञान सच था तो आप चौंक जाएंगे ना, लेकिन ऐसा सच है। ANI के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के साइंटिस्ट ए देव वर्मा ने कहा, बतख मछली फार्मिंग एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। बतख के मलमूत्र से मछलियों को बढ़ने में मदद मिलती है। ए देव वर्मा ने आगे कहा, बतख नेचुरल एरिएटर होते हैं और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। स्टडी में ये बात साबित भी हुई है। जी हाँ, तो बिप्लब देव का ये ज्ञान तो बिल्कुल सही रहा, वैज्ञानिक की तरफ से भी मुहर लग गई और ये साबित हो गया कि हाँ, बतख ऑक्सीजन बढ़ाती है।